हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। और अभी है सुबह का वक्त, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। और अभी ना सुबह सुबह गाइस मेरा जो गैस है वो आ चुका है, और यहाँ पे मैंने गैस आते के साथ साथ चढ़ा दिया है चाय और दूध यहाँ पर, और यहाँ पर आलू भी चढ़ा दिया गाइस, और इसमें टमाटर वगैरह मिक्स करके आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और गाइस यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे श्रुति नहा चुकी है और अपना बाल झाड़ रही है, और यहाँ पे नमो ने अभी नहाया नहीं है, अब जाएगी नहाने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव देख रहे हैं मोबाइल, और गाइस देख सकते हैं कितनी गर्मी है, पूरा पसीने से हालत ख़राब हो रखा है। देखिए कितना चिलचिलाता हुआ धूप है ना गाइस, और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, 52 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गाइस। आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी हो सकती है यहाँ पे, एक्सेस है। वैसे तो अभी हर जगह पे गर्मी पड़ रही है, अब पता नहीं आप लोगों के शहरों में क्या हाल है। अभी तक बिहार में बारिश नहीं हुई, उसके कारण से इतनी गर्मी लगती है ना गाइस, रात में भी सोना मुश्किल हो जाता है। और किचन में रह के खाना बनाना, किचन का काम करना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। अगर बारिश हो जाती तो थोड़ा राहत हो जाता गाइस, बट अब क्या कर सकते हैं, इसी के साथ जीना है, क्योंकि यहाँ से कहीं और जा तो नहीं सकते हैं। और हमारा घर है यहाँ पे, तो हम लोग को तो रहना यहीं पर है। ठीक है गाइस, तो अभी चाय चढ़ा रखा है, अब चाय बन जाएगा तो दूंगी पतिदेव को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, देखती हूँ आप। तो गाइस यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, मेरा आलू जो है वो उबल चुका है, और यहाँ पे देखिए आलू छील रही हूँ, और यहाँ पे आलू छील के रख लिया है, और बनाऊँगी आज चने आलू की सब्ज़ी। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चना जो है वो रात में ही फूलने के लिए दे दिया था, और अब जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में। ओके गाइस, तो गैस यहाँ पे मैंने कर दी है सब्जी बनाने की तैयारी। यहाँ देख सकते हैं मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में तेल डाल के इसमें मिर्च और पंचफोरन और तेज पत्ता डाल दिया है गैस। अब इसमें मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो काट के रख लिया है, अब इसमें डाल रही हूँ प्याज गैस। और यहाँ पर आलू छिला हुआ है, और गैस देख ही रहे हैं पसीना पसीना हो रखा है इनका, पता नहीं भगवान जी कब बारिश करेंगे बिहार में। और गाइस आज थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि गैस आने में ना टाइम लग गया, क्योंकि 9 बजे 8:30 बजे तक मतलब गैस जो है वो आता है यहाँ पे। तो पतिदेव गए हैं और 8:30 बजे अपना गैस वगैरह लेके आए हैं, और यहाँ पे मैंने पहले से ही सारा चीज़ का तैयारी कर रखा था, और अब मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है, और अब इसको फ्राई कर रही हूँ गाइस, और दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो श्रुति जो है वो अपनी बुक्स लेने गई है, एक्चुअली बुक ख़त्म हो गए थे शुरुआत में, तो आज बुक आया है, तो आज कॉल आया है स्कूल से कि बुक्स आ गए हैं। और यहाँ पर मेरी छुटंकी बेटी जो है यहाँ पर पढ़ाई करना चालू कर रही है, देख सकते हैं अभी ये नहा धो के अभी रेडी हो गई है, और अब जा रही है पढ़ाई करने के लिए गाइस। और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और श्रुति गई अपने पापा के साथ बुक्स लेने के लिए। ठीक है गाइस, आगे बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस इसमें मैंने डाल दिया है अब टमाटर, और यहाँ पे ये जो है गाइस ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट है गाइस। और अब मैं ना प्याज जब फ्राई हो गया ना तब मैंने इसको डाला है, और अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसमें डालूंगी जो भी मसाले होते हैं ना गाइस सब्ज़ी में डालने वाले। गाइस यहाँ पे जो टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना गाइस वो फ्राई हो चुका है अच्छे से और गल चुका है गाइस। और अब इसमें मैं डालूंगी मसाला, ये हल्दी डाल रही हूँ गाइस, हल्दी डाल दिया। अब डालेंगे धनिया इसमें, धनिया तो मेन जो होता है ना गाइस वो होता है सब्जी का। और फिर मैं डाल रही हूँ मिर्ची कुटी हुई लाल मिर्च, और अब डालूंगी गरम मसाला गाइस।
मैंने स्मेल कर लिया एक बार कि ये है क्या। तो ये है जीरा पाउडर, ये भी डाल दे रही हूँ। और इसमें है गरम मसाला, थोड़ा ख़त्म हो गया गैस इसीलिए इसमें जो है ना वो डाल दे रही हूँ। और अब मैं इस सबको मसाले को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे श्रुति आ गई है अपने बुक्स लेके। तो गाइस इसका जो बुक्स है ना वो आ चुका है, और अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। सब्जी जो है यहाँ पे फ्राई हो रही है, मिलती हूँ गाइस जब आलू और चना डालना होगा। गाइस उसमें डाल दिया है मैंने चना, देख सकते हैं, और मसाला भी जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। गाइस तो यहाँ पे जो है ना मैंने आलू और चना डाल दिया है, देख सकते हैं, और अब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तब उसके बाद इसको कुकर में डाल के एक सीटी लगा दूंगी। और अब जा रही हूँ बच्चों के लिए बनाने। गाइस यहाँ पे पानी ले लिया है, शहद इसमें घोल के और बच्चों को दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाइस देख सकते हैं मैं कितने पसीने पसीने हो गई हूँ। और यहाँ पर ये लोग आ गई है, इन लोगों को बुलाया है तो आ गई है। अब इन लोगों को शहद पानी दूँगी। गाइस तो मेरी सब्जी जो है वो बन चुकी है, और मैंने यहाँ पर कुकर में डाल दिया है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुकर में डाल दिया है, और यहाँ पर मैं अपने लिए और पति देव के लिए बना रही हूँ नींबू पानी। और बच्चे यहाँ पे जो है ना गाइस, श्रुति का नया बुक आया है तो वो पढ़ाई कर रही है, और नमो भी पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पे पति देव अपना मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पे किचन का मेरा जो सब्जी बनाने का जो काम है ना गाइस वो हो चुका है, और अब जा रही हूँ आटा गूंथ के। गाइस तो मैंने आटा गूंथ लिया है, और यहाँ पे तावा चढ़ा दिया गाइस, और मेरी सब्जी भी जो है ना वो बन के रेडी हो चुकी है। कुकर में है, बच्चों को दूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब जा रही रोटी बनाने के लिए, बहुत लेट हो चुका है गाइस, क्योंकि आज गैस लेट से आया है इसलिए खाने बनाने में भी लेट हो गया। ठीक है गाइस मिलती हूँ बन। यहाँ मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, बच्चों के लिए निकाल दिया है आलू चने की सब्जी और रोटी। और यहाँ पर नमो आ गई है लेने के लिए, लेके जाऊँगी और जा रही है ये लोग खाने के लिए। ठीक है गाइस तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नाश्ता बन चुका है। गाइस मेरा किचन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, नाश्ता बन चुका है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, किचन का जो भी बर्तन वगैरह था वो सब धुल चुका है, और बच्चों को नाश्ता करा के बिठा दिया है पढ़ने लिखने के लिए, होमवर्क बना रही है ये दोनों के दोनों। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए गाइस, मिलती हूँ फिर बाद में। और अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए गाइस, और चलते हैं नाश्ता करने। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और ठीक है गाइस मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा गाइस, थैंक यू सो मच।